आईपीएल 2024 के 22वें मैच में भिड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स। देखिए दोनों टीमों की क्या होगी संभावित प्लेइंग 11 और सीएसके की क्या होगी विनिंग फार्मूला। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी एमएस धोनी के हैं फैन और चाहते हैं कि केकेआर के खिलाफ सीएसके टीम जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 8 अप्रैल को एम चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। इस मुकाबले में पहले दोनों टीमें पिछले मैच में प्रदर्शन की बात करें तो कोलकाता ने दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज की है, वहीं चेन्नई सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार का सामना करके आई है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खासकर चेन्नई इस मैदान पर अपनी प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करती है। चेन्नई ने इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी, इस सीजन में पहले दो मुकाबले में जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने सोमवार को दिल्ली और उसके बाद हैदराबाद के खिलाफ मैच गंवा दिया, जो अब टीम के लिए चिंता का विषय बन गया। ऐसे में टीम को आने वाले मुकाबलों में वापसी करनी है तो अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और ऐसी कमजोरियों से दूर रहना होगा। चेन्नई के लिए सबसे बड़े परेशानी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म है, वो इस सीजन अभी तक एक भी पारी में बड़ा स्कोर नहीं खेल पाए। वहीं मुसीबुर रहमान और पथिराना के जाने के बाद से सीएसके की गेंदबाजी भी काफी कमजोर हो गई है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम केकेआर के खिलाफ मैच में अपने प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव करती है। वह दोस्तों कोलकाता की अगर बात करें तो टीम ने इस सीजन में कुल 3 मैच खेले और तीनों मैचों में जीत हासिल किया। जिस तरह से केकेआर के बल्लेबाज इस सीजन में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वह किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वहीं उनके गेंदबाजों की बात करें तो इस सीजन जबरदस्त लय में दिख रहे हैं, ऐसे में वो अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ शायद ही कोई छेड़छाड़ प्लेइंग 11 में करें। वह दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस समय प्लेइंग 11 ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र सचिन, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, डेविल मिचेल, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और महेश तीक्ष्णा होंगे। वहीं दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो फिलिप साल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश्वर अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुश रंगवंशी, राजेंद्र रसेल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वर्तिन चक्रवर्ती टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही, आपको क्या लगता है सीएसके फिर केकेआर कौन सी टीम इस मैच को कर पाएगी? अपने नाम आप अपने व्यक्तिगत राय में कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।